अब यार फ्लिपकार्ट वालों की मैनुपली कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब आपने देखा होगा अभी सेल चल रही है तो ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हाइलाइट्स में दिखाए जाते हैं। हाइलाइट्स इट मीन्स मतलब जैसे एक स्टोरी का एक पार्ट हो जैसे इंस्टाग्राम पे, ऐसे फ्लिपकार्ट यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है अब इसमें हमें बहुत सारे फ़ोन दिखाए जाते हैं। अब आपको लगता होगा फ्लिपकार्ट हमारी हेल्प करना चाहता है हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा के ताकि हमें अच्छा फ़ोन मिल पाए अच्छे प्राइस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फ्लिपकार्ट किसी भी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए ना पैसे लेते हैं ब्रांड से, और हमें बार बार दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें फोर्स किया जाता है भैया ये इतने मिल रहा है इसको ले लो। अब ब्रांड इस चीज़ को ना पुश करवाता है फ्लिपकार्ट के जरिए, जिससे ब्रांड फ्लिपकार्ट को पैसे देता है। लेकिन यहाँ पे ना हम लोगों के साथ होता है भैया स्कैम, क्योंकि जो फ़ोन अच्छे नहीं होते उनको भी यहाँ पे दिखाया जाता है पैसों के लिए, और फिर बहुत सारे लोग लेते हैं। अब मान लो अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट को 1000 लोग यूज़ नहीं करते हैं, फ्लिपकार्ट को करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ करोड़ों लोगों के आंखों के सामने आता है तो उसमें से यार 1-2 लाख लोग तो इजीली बाय कर ही लेते हैं। तो हमारी फ्लिपकार्ट बिल्कुल भी यहाँ पे हेल्प नहीं करता है, यहाँ पे हमारे साथ हम ही को लूटता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जरूरी नहीं कि वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिखा देते हैं ये लोग कभी भी। बाकी यार ये हमारा एक टेक चैनल है जिसमें मैं मोबाइल वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन लोग लुक्स के चक्कर में या फिर लोगों को ऐसा मैनिपुलेट किया जा रहा है फ्लिपकार्ट अमेज़न के द्वारा जो लोग अभी के टाइम पे ले रहे हैं। अब देखो अगर आपका बजट 10,000 तक है, कुछ फोन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे अभी एक पोको M6 5G आ रहा है 8,000-9,000 में, आपको 5G लेके आ रहा है, इस फोन को बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, बट इसका कैमरा और इसका लैगी UI और यहाँ पे अगर आप देखें सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह एकदम थर्ड क्वालिटी का, तो अगर आप 5G देख के ले रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मत लें। बाकी अभी एक OnePlus जैसे दिखने वाला फोन हमें 10,000 में देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, ओप्पो K12X। अब देखो ये इसका नाम कैसे ये लोग रख दिए हैं, ये सिंपल अगर आप देखेंगे तो OnePlus का जो OnePlus Nord C4 आया हुआ था उसी का लगभग सिमिलर से कॉपी किया गया है, तो यहाँ पे इस फोन का भी लेने कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर आया हो भाई वो 8-8, 9-9, 10,000 के फोनों में आ रहा है। इसमें आपको 120Hz डिस्प्ले मिलती है लेकिन IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। अगर आप इतना पैसा लगाएंगे आज के टाइम पे आपको AMOLED भी देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी आपको फ्लिपकार्ट पे एक फोन देखने को मिल रहा है 10,000 प्राइस में, और इस चीज़ को फ्लिपकार्ट वाले खुद अपने हाइलाइट्स में लगाए थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट किए थे, सैमसंग गैलेक्सी A14। अब इसको ना लेने का ना 2-3 रीज़न है, बट एक रीज़न जो सबसे कॉमन है, ये फ़ोन लैगी है और भाई लैगी के साथ साथ ना इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखेंगे इस प्राइस में तो वहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह देखेंगे तो ये फ़ोन पुराना है और 1 साल का ही इसमें अपडेट आपको और देखने को मिलेगा, उसके बाद कोई अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको लेने का कोई भी सेंस नहीं है। बल्कि इसी ब्रांड में सैमसंग M15 आता है अमेज़न पे इसी प्राइस में लगभग, उसमें आपको अभी 4 साल का अपडेट मिलेगा, वो थोड़ा अच्छा है। प्राइम एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी मैंने खुद भी बाय किया है तो वो बल्कि अच्छा है। बाकी यार देखो ये फ़ोन अभी के टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन अगर आप जाते हो थोड़ा बजट के ऊपर, जैसे अगर आपका बजट 20,000 तक है, बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं जो आप को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी आपको Realme P1 Pro आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को लगेगा भाई काफ़ी मस्त प्राइस में आ रहा है Realme P1 अच्छा है, मैं खुद बोला हूँ Realme P1 Pro तो और ही अच्छा होगा। देखो आज के टाइम पे Realme P1 Pro अगर आप लोग लेने वाले, लेने का कोई सेंस नहीं है, बल्कि आप इसका छोटा भाई ले लो भाई पैसे बचा के, लिटरली मतलब इसको लेने का आज के टाइम पे कोई भी सेंस नहीं है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सोचा बता दूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में इससे बहुत बेटर आपको फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। बाकी मोटो G85 भी लोग अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसको भी आप इग्नोर करो क्योंकि अपडेट वगैरह बहुत स्लो देखने को मिलेंगे। बाकी कैमरा इसका बहुत ही एवरेज है और आज के टाइम पे लेने का कोई भी सेंस नहीं है मोटो G85 को। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ OnePlus Nord CE4 Lite को भी लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के ओपिनियन चल रहा है। अब देखो आज के टाइम पे अगर आप ये फ़ोन लेने वाले हो इसको भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भैया, ये OnePlus का पहले बात Lite वाले उसमें है तो आज के टाइम पे लेने का कोई भी सेंस नहीं। इसका कैमरा और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे तो बहुत ही थर्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, अगर आप अदर ब्रांड देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये सब कोई नहीं बताएगा, बेस्ट फ़ोन तो सब बता देंगे, अब आपको सिंपल YouTube पे जाकर सर्च करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग और वहाँ पे आपको एक अच्छा चूज़ करना है अपने यूज़ के हिसाब से, आप क्या करते हो क्या अच्छे से करते हो, बट ये फ़ोन अभी के टाइम पे आपको बिल्कुल इग्नोर करना है जो मैं बताया हूँ। बाकी अब बात करते हैं जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है 20,000 से 22,000 तक, उनके लिए अब देखो अभी के टाइम पे आपको फ्लिपकार्ट पे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला देखने को मिल सकता है। अब पिछले साल तो इसको दबा के बेचा गया था भैया, मतलब
हर कोई प्रमोट कर रहा था अंधाधुंध। देखो इस फ़ोन को अगर आप लेने वाले हो, आज के टाइम पे कोई भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि ये काफ़ी पुराना फ़ोन आया हुआ था, अपडेट वगैरह भी शायद एक साल और आपको देखने को मिलेगा। बाकी यार देखो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे अदर ब्रांड में आपको इससे बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। S21 FE लेने का कोई भी सेंस नहीं है। और अभी के टाइम पे नथिंग फ़ोन 2A Plus अभी शायद से हमें फ्लिपकार्ट देखने को मिल रहा है, इस फोन को भी लेने का कोई भी सेंस नहीं है। आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं मार्केट में, इससे बहुत बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस, आज के टाइम पे लेने का इसका भी कोई मतलब है नहीं। बाकी अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ रियलमी 13 प्लस को लेकर काफी ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। अब देखो आज के टाइम पे भाइयों रियलमी 13 प्लस लेने का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, इसमें अगर आप इसकी डिजाइन निकाल दोगे ना, इसमें लिटरली कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। तो रियलमी 13 प्लस लेने का कोई भी मतलब नहीं है आज के टाइम पे, किसी भी प्राइस में मिले आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी अभी के टाइम पे मोटोज 50 भी आपको देखने को मिल सकता है। आप कुछ लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छा फोन है ले लो, लेकिन देखो यार आज के टाइम पे लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, और देखो मोटो का फोन है तो मैं डिजाइन को लेकर तो कुछ नहीं बोलूंगा, मोटो फैंस यार कमाल है आप लोग, लेकिन देखो यार मुझे सच में डिजाइन नहीं अच्छी लगती मोटोरोला का, और कैमरा बहुत ही वीक पॉइंट है इसका। और अपडेट वगैरह आपको पता ही होगा भाई, अपडेट वगैरह ये बहुत डिले करते हैं भाई, मतलब आप समझ लो अगर ये 2 साल प्रॉमिस करेंगे तो 2 साल का अपडेट 3 साल में देते हैं, तो ऐसा इन लोगों का मैटर चलता है। बाकी रियलमी 13 प्रो अभी मैं देख रहा हूँ भाई, इसको भी लेने का कोई भी मतलब नहीं, वही सेम कहानी रिपीट होती है 13 प्लस वाली रियलमी 13 प्रो में, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो भाई, इग्नोर कर देना। आज के टाइम पे भाई लेने का कोई भी सेंस नहीं मार्केट में, जितने फोन में बताऊँ ना मार्केट में आपको इनसे बहुत बेटर बेटर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं अभी के टाइम पे अगर आप देखते हैं। बाकी कुछ फोन और हैं, सैमसंग M55 और F55, ये फोन अभी के टाइम पे आपको नहीं लेना है भाई, इससे बेटर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आज के टाइम पे, ये कहीं भी फिट नहीं होते हैं। बाकी देखो अगर आप देख रहे हो भाई 20-25 हज़ार आपका बजट है अभी के टाइम पे, मैं कह नहीं रहा हूँ आप लोग लो, बट आप देख सकते हो पोको X6 प्रो और यहाँ पे आ जाता है पोको F6, ये सारे फ़ोन आप देख सकते हो। बट यार पोको X सीरीज का कुछ हिस्ट्री अच्छी रही नहीं है पिछले, तो इसलिए मैं ज़्यादा वैसे रिकमेंड नहीं करूँ, बट ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो सकते हैं अभी अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज या फिर डिस्प्ले वाइज, जो ये प्रोवाइड करे अभी के टाइम पे कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपका बजट कम है 15 हज़ार तक है, अभी के टाइम पे आपको CMA Phone 1 देखने को मिल सकता है 12-13 हज़ार में शायद से फ्लिपकार्ट पे, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी अगर आपका और भी ज़्यादा बजट है बीच वाला, तो अभी के टाइम पे आप मोटो H50 Neo देख सकते हैं भाई, जो मुझे तगड़ा ऑप्शन लगता है। जिनको गेमिंग नहीं करना है, वो मतलब उनको नॉर्मल चाहिए, कैमरा मस्त मिल जाए, अपडेट वगैरह थोड़ा डीले भी हो तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, आपको जब परफॉर्मेंस वगैरह नहीं चाहिए तो अभी आप इसको देख सकते हो। बाकी यार परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो यही कुछ फ़ोन अभी के टाइम पे आप देख सकते हो भाई हो। बाकी 15 हज़ार से अगर आप ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, रियलमी नार्जो टर्बो करके अभी अमेजन पे आपको देखने को मिल रहा है 15 हज़ार में, इसको देख सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जिस प्राइस में आ रहा है काफ़ी अच्छा फीचर लेके आ रहा है, तो ये सब फ़ोन अभी के टाइम पे आप देख सकते हो। यही कुछ थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, हम ऐसे ही सिंपल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे।